अला है कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त एसए न्यूज़ की टीम आई हुई है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में, जो कि यह शहर एक बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, अपने आप में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थल बना हुआ है, जो कि रतनपुर के महामाया मंदिर के नाम से इस शहर को जाना जाता है। इस शहर में आप देख सकते हैं इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर कबीर साहब के प्रकट दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का भी इस रैली में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण इस रैली में योगदान यहां पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग इस रैली में आप देख सकते हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं, जहां तक नज़र जा रहा है वहां तक के आप देख सकते हैं कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का काफिला नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से इस शोभा यात्रा को निकाला गया है। इस शोभा यात्रा में संत रामपाल जी महाराज जी को, जो एक महान संत है, जो अपने शिष्यों को इस जन जन तक अपने शिष्यों के माध्यम से, कई तरीकों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है ज्ञान को कि कबीर परमेश्वर ही भगवान है, कबीर साहब ही भगवान है, जो 600 साल पूर्व पहले इस पृथ्वी लोक पर आए थे और सशरीर अपनी लीला करके वापस सतलोक चले गए थे। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जन जन तक यह पहुंचाया जा रहा है कि कबीर साहब भगवान है। आप देख सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्या विचार है लोगों के इस रैली को लेकर, इस शोभा यात्रा को लेकर? नमस्कार सर जी। इस रैली के लेकर बहुत आदमी खुश हैं और बहुत भारी भी है। कैसा लग रहा है ये रैली आपको लेकर? एकदम कुंभ के मेला जाए का लग रहा है। तो इस रैली में आपको क्या चीज़ जो है संदेश मिल रहा है? मेरे को यही मिला कि कबीर दास ही भगवान है जी। तो आप सहमत हैं? हम सहमत हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार टंडन जी। आप यहीं बिलासपुर से हैं? नहीं, मैं कवर्धा जिला से हूँ जी। तो आपको यह रैली देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या संदेश मिल रहा है इस रैली से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रदूषण है, अच्छा लग रहा है, ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। हम मुंगेली जिला से, ग्राम मानपुर से आए हैं सर। तो आज देखा जा रहा है कि इतने विशाल संख्या में यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो ये विशाल जो रैली दिखाई दे रहा है, शोभा यात्रा जो निकाले हैं,
ये जो शोभा यात्रा निकाले हैं ये कबीर परमेश्वर प्रगट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम मुंडका, सतलोक आश्रम रोहतक, ये 10-15 जगह निकाला जा रहा है सर जी। तो इसके बारे में हम लोग कलेक्टर से आदेश ले करके सदगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इतना विशाल गुरु जी का जो प्रगट दिवस मनाने के लिए शोभा यात्रा निकाला गया है सर जी। यह दुनिया अनजान है, यह दुनिया अनजान है, सब महापुरुषों ने पाया है। प्रत्येक गाड़ियों में अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर बैनर पोस्टर कबीर साहेब जी और उनके अवतार, उनके स्वरूप परमेश्वर कबीर जी और उनके स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथों में बैनर लिए हुए, झंडा लिए हुए जन जन तक यह संदेश पहुँचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य। आओ मिलकर दहेज प्रथा को मिटाएं, यहाँ पर नशा करता है नाश, बहुत सारे यहाँ पर उद्देश्य हैं जिसको लेकर चल रहे हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित है, उनके विचार जानते हैं कि इस रैली को आखिर क्यों निकाला गया है, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं मस्तूरी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो सर ये आपने हाथ में जो बैनर लिए हुए हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अधिक संख्या में यहाँ पर लोग जो है उपस्थित हैं, तो आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं जन जन तक, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है जो समाज में दहेज प्रथा फैली हुई है उनको जड़ से खत्म करना, साथ ही साथ जो दहेज में अनेक प्रकार की बुराई है जैसे नशाखोरी और मांस मछली भक्षण लोग करते हैं, इन सबको जड़ से खत्म करना हमारा संत रामपाल जी महाराज जी का केवल एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। नमस्कार सर। सत साहेब जी, कहाँ से हैं? मैं जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ से। जी तो यहाँ पर आप क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के शोभा यात्रा में आए हैं जो कि कबीर परमेश्वर प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाला गया है चेतना दिवस के उपलक्ष्य में। जी तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि शोभा यात्रा जो है वो बड़े ही अनुशासित तरीके से इसको संपूर्ण ढंग से निकाला जा रहा है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, तो ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है, क्या कारण है कि लोग जो है बड़े ही शांति से अपने वाहन को एक लाइन में लेकर के चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक में परेशानी भी नहीं है, ऐसा क्यों कैसे हो पा रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है? ये बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हो रहा है, क्योंकि सदगुरु संत रामपाल जी ने ऐसा ज्ञान दिया है उस ज्ञान से सब में नैतिकता और सभ्यता आ जाते हैं, इस कारण से सभी लोग एकदम आराम से शांति से अपना शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इस रैली में कितने लोगों की लगभग कितने संख्या की आशंका है इस रैली में? लगभग इस शोभा यात्रा में 2-3 हज़ार के लगभग संख्या पहुंची हुई है। जी तो ये कितने रैली जो है कितने किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है? लगभग ये रैली 15 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। जी तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि शहर में पूरे रैली जो है वो संपन्न हो चुका है और अभी ये समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो रैली है वो समापन की ओर आगे जो है जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अनुशासित तरीके से यहाँ पर सेवादार भाई लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं।